सब्सक्राइब कीजिए टेक एवर चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें इंस्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कोई भी Redmi डिवाइस में MIUI 10 का लुक कैसे ला सकते हो। तो आपने आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, बट ये वाला काफ़ी इजी है। इसमें आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होगा, आपको काफ़ी अच्छा लुक मिलेगा MIUI 10 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी थीम्स और ऐप्स में मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, सारा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं थीम स्टोर में और वहाँ पर आपको ये वाला थीम डाउनलोड करना है, परफेक्ट TT। तो गाइस ये थीम आप अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद यहाँ देख सकते हो कि थीम अप्लाई हो चुका है। साथ में यहाँ पे आई पैकेज भी चेंज हुआ है जो कि मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन पैनल भी बिल्कुल MIUI 10 जैसा है, जैसा कि हम देखते हैं बाकी सारे वीडियोज़ में भी। और यहाँ पर हम लोग कुछ और भी कस्टमाइज़ करेंगे, तो सब हम फिर से जाएंगे यहाँ पर थीम स्टोर में और यहाँ पर हम लोग को जाना है यहाँ पर ये कस्टमाइज थीम्स। यहाँ पे आपको जाकर ऐप आइकन्स को आपको सिलेक्ट करना है लिमिटलेस। तो अगर आप आई नो आपका MIUI 9 है तो लिमिटलेस थीम आपके पास होगा ऑलरेडी, तो आपको सिर्फ उसका ऐप आइकन अप्लाई करना है एंड दैट्स इट। बस कुछ सेकंड्स लेगा ये यहाँ पे एंड डन। एंड अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये MIUI 10 जैसा ही लग रहा है। यहाँ पे आपको सेम नोटिफिकेशन पैनल मिल रहा है एंड ऐप आइकन्स भी बिल्कुल MIUI स्टॉक जैसा ही है, आप कह सकते हो। तो गाइस अगर हम लोग बात करें इस थीम के लॉक स्क्रीन का, तो आप देख सकते हो काफ़ी कलरफुल है एंड काफ़ी ब्राइट है। यहाँ पे ब्लू एंड पिंक कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड काफ़ी कमाल लग रहा है ये। और अगर हम लोग बात करें नोटिफिकेशंस का, तो यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस आए हैं, इनको आप यहाँ पे ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं एंड यहीं से आप डायरेक्टली रिप्लाई दे सकते हैं, जैसा कि नॉर्मल MIUI में आपको दिखता था MIUI 9.5 में। तो ये फीचर अभी भी है, यहाँ पे इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं इसमें, बट देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तो काफ़ी अच्छा लग रही है, बिल्कुल MIUI 10 जैसा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम स्लाइडर का, तो वॉल्यूम स्लाइडर आप देख सकते हो कि ये नॉर्मली है जैसा आपको नॉर्मल स्टॉक MIUI 9.5 में मिलता है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो हम लोग हेड करेंगे प्ले स्टोर की तरफ और वहाँ से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है वॉल्यूम पी। तो ये सिर्फ 1 MB का ऐप है, ज़्यादा आपका स्पेस नहीं लेगा आपके फ़ोन में। सो गाइस आपको ये डाउनलोड करने के बाद सीधा आपको करना है ओपन। यहाँ पे आपको सारे परमिशंस दे देने हैं, जैसे कि ड्रॉइंग ओवर द स्क्रीन, डू नॉट डिस्टर्ब एक्सेस, यहाँ एक्सेसिबिलिटी में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि दो दिखाया जा रहा है, एक तो वॉल्यूम पी टू। आपको वॉल्यूम पी ही ऑन करना है और कुछ ज़्यादा आपको ऑन नहीं करना है, तो इसी में ही आपका काम हो जाएगा। तो सारे परमिशंस को देने के बाद आप अब जाइए सीधा होम में एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आप इसे क्लिक कर सकते हो और एक्सपेंड कर सकते हो। अलार्म और कॉल्स मीडिया सब अलग आ चुका है, यहीं से आप वाइब्रेशन DND रिंग सब कुछ एनेबल कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। और यहाँ पे ऐप को अगर आप ऐसे क्रैश कर देंगे जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, तो अगर ऐसे करने से ये वॉल्यूम स्लाइडर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप रिसेंट स्क्रीन में जाके इसे लॉन्ग प्रेस कीजिए और यहाँ पे ऑटो स्टार्ट को ऑन कर दीजिए। तो इससे ये होगा कि इन केस अगर आप ऐप क्रैश भी कर देंगे, जैसे इस वक्त यहाँ मैंने कर दिया, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वॉल्यूम स्लाइडर आ रहा है। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो कर दीजिए लाइक, कर दीजिए इस वीडियो को शेयर। वेल शेयर तो मस्ट है क्योंकि MIUI 10 आने वाला है एंड ये थीम आपको हेल्प करेगा आपके लुक, आपके फ़ोन को MIUI 10 का लुक देने में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और बन जाइए टीम टेक एवर का हिस्सा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे टेक एवर फॉर एवर।